सिंगरौली में विस्थापित किए गए लोग रोजगार नहीं मिलने से खासे नाराज हैं। मजबूरी में इन लोगों को रोजगार पाने के लिए एनसीएल अमलोरी महाप्रबंधक कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सिंगरौली जिले में स्थित एनसीएल अमलोरी महाप्रबंधक कार्यालय के सामने विस्थापित किए गए लोगों ने रोजगार पाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। एनसीएल अमलोरी में ओवरबर्डन का कार्य कर रही कलिंगा कंपनी में स्थानीय भरुआ, दसौती, नंदगांव अमलोरी, कशनी के लोगों को रोजगार नहीं दिए जाने व कलिंग कंपनी के अधिकारियों पर पैसा लेकर ओबी कंपनी में भर्ती कराने का आरोप लगाया गया है। वहीं विस्थापित नेता रामब्रश कुशवाहा ने कहा है कि जब तक प्रभावित लोगों को कलिंगा कंपनी में रोजगार नहीं मिलता तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अमलोरी प्रोजेक्ट में कलिंगा कंपनी आई है जो यहाँ के जो बेरोजगार भाई प्रभावित क्षेत्र विस्थापित क्षेत्र के लोग हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस कंपनी में मनमानी तरीके से भर्ती की जा रही है। जो युवा आज दर दर घूम रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए ड्राइवर का और हेल्पर का रेट फिक्स है जो लोग वहाँ दे रहे हैं पैसा उनका खड़े खड़े भर्ती हो जा रही है, और जो गरीब जो प्रभावित क्षेत्र विस्थापित क्षेत्र के बच्चे हैं बेवा रोजगार हैं उनको रोजगार नहीं मिल रही है। इसलिए हम इन सभी को लेकर आज इस CGM गेट पर इनको लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कंपनी में जितने भी भर्ती हुई है चाहे ड्राइवर हो चाहे हेल्पर हो सभी कहीं ना किसी के माध्यम से चाहे जो नेताओं के माध्यम से भर्तियाँ हो चाहे जो उनके अधिकारियों के माध्यम से भर्ती हुआ हो वो सब जो भी उसमें भर्ती हुए सब बताते हैं कि हम लोग 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख पैसा दे के इनको दिए हैं। एक ताज़ा मैं उदाहरण बता दूँ, एक कचनी का लड़का है रोहित कुशवाहा, वो कभी सही ढंग से गाड़ी नहीं चलाया था ट्रैक्टर तक, उससे पैसा लेकर 1.5 लाख रुपये उसको बोल्वो चलाया गया, 3 दिन चलाया उसके बाद बोल्वो पलटा दिया, फिर वो पैसा मांग रहा है उनसे मिश्रा जी से कि मेरा पैसा दे दीजिए मैं बोल्वो नहीं चलाया। कौन मिश्रा? विवेक मिश्रा जी से, मैं चलाया नहीं हूँ, आप हमको बोल्वो दिए हैं, आपने हमको बोला था कि मैं वाटर टैंकर दूंगा चलाने के लिए जब आएगा, लेकिन अभी उसको घुमाया जा रहा है, उसका पैसा भी चला गया, उसको नौकरी से भी बैठा दिया गया। रोजाना वो जा रहा है कंपनी में, कल बोल भी रहा था कि मैं अगर आप मेरा पैसा नहीं देंगे तो मैं नवानगर जो हमारा थाना है उसमें आपके खिलाफ रिपोर्ट करूँ। जब तक हमारे युवाओं को हमारे सबको रोजगार के लिए नहीं मिलेगा रोजगार, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। मेरा 3 मांग है, या कि मुझे रोजगार दो, या कि मुझे जेल करो, या कि मुझे मरने दो। बाहरी आदमी आके लेकिन हमारे परिवार जा रहे हैं उनको दुर्कार दिया जा रहा है कि यहाँ नहीं लगेगा, बिना पैसे का नौकरी नहीं लग रही है, इसीलिए हम लोग आए हैं। तब तक नौकरी नहीं मिलेगी यही हम लोग मात कलप देंगे, चाहे जान चले जाएगी भले। CM ऑफिस मांग रहा है, बोल रहा है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, जो नेता बड़े बड़े हैं उनका नौकरी लग रहा है, तो क्या करें हम लोग, भूखे मर जाए, हमारे बच्चे नहीं पढ़े, हम लोग जाने कहाँ पा रहे हैं सर, वहाँ हमारा क्या क्या है उन लोग के आगे, पैसा ले ले सब वहाँ मार रहे हैं, कैसे पहुँचे वहाँ। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यही रह जाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।